आज हम सोशल स्टडी में सिविक्स का लेसन वन को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर वन या लेसन वन जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसके दो पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज का तीसरा पार्ट, पेज नंबर 9। आज हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के पश्चिम में जो पहाड़ माउंटेन एरिया है वहां पर एक रेगिस्तान है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहां पर खेती की उम्मीदें कम है, बहुत कम खेती होती है, क्योंकि एक तो यहां पर क्या होता है, बारिश कम होती है, बारिश नहीं होती, और यहां पर क्या होता है, जो क्षेत्र होता है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है वर्ष भर। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, और बहुत कम ऐसे पेड़ है जो यहां पर इस क्षेत्र में उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मेथड्स। अब यहां पर उनका जो पानी की आवश्यकता होती है, पीने के पानी की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो किस पर निर्भर होते हैं, वहां पर जो बर्फ होती है तो समर सीजन में जो बर्फ पिघलती है और उनके पीने की पानी की व्यवस्था होती है, वो पीने के पानी के लिए समर सीजन का इंतजार करते हैं। पीपुल हियर कीप शीप एंड गोट्स, और यहां पर लोग किसको पालते हैं, भेड़ और बकरी को। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल, और यहां की जो भेड़ है सॉरी जो बकरी है वो स्पेशल है, यहां पर विशेष है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, पश्मीना प्रकार जिसको बोलते हैं वो वूल देती है, ऊन है ना, पश्मीना वूल जिसको। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो वूल होता है, ऊन होता है, बहुत कीमती होता है, और इससे जो शॉल बनती है उससे यहां के लोग उसको बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं, ज्यादा पैसा प्राप्त करते हैं। द पीपुल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूड वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फॉर कश्मीर। और क्या करते हैं कि यहाँ के जो लोग रहते हैं, लद्दाख के लोग, वो क्या करते हैं, केयरफुली सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, वूल को इकट्ठा करते हैं और उनको क्या करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर, और जो पश्मीना शॉल होते हैं मुख्य रूप से कश्मीर में उसका बनाई जाती है वो। द पीपुल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। यहाँ के लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, और दूध से बनी हुई चीजें यानी कि पनीर और मक्खन वो खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, हर परिवार में है ना, ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड डोज, जो उसको बोलते हैं याक काउज जो होती हैं। हर परिवार में क्या होता है, कुछ बकरियां होती हैं, गाय होती हैं, और डिजोज होते हैं जिसको एक याक प्रकार का होता है, गाय के जैसा याक होता है। बींग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। भाई रेगिस्तानी क्षेत्र जरूर है लद्दाख, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यापारियों को उस ओर आकर्षित नहीं करता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवास ट्रेवल टू वॉट इज टूडे कॉल्ड थाइबत। और यहां पर क्या है, ये व्यापारिक रास्ता, एक प्रकार के व्यापारिक रास्ता है, ट्रेड रूट है, यहां से होकर क्या करते हैं लोग कहां जाते हैं, कारवा के रूप में इकट्ठे होकर कहां जाते हैं, थाइबत की ओर जाते हैं। दीज कारवास कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और जो कारवा जाते हैं, जो लोग जाते हैं इस रूट से होकर, वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, टेक्सटाइल्स कपड़े ले जाते हैं, स्पाइसेस मसाले ले जाते हैं, कच्चा सिल्क ले जाते हैं, और कारपेट्स यहाँ से इस रास्ते से होकर वो जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आप देखिए चित्र में देख सकते हैं, ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का जो माउंटेनियस क्षेत्र है वहां पर देखिए बंजर क्षेत्र जो है लैंड, इसका आप देख सकते हैं। यस,
अब पेज नंबर आएंगे 10। बुद्धिज्म रीज्ड ताइपत वाया लद्दाख, और जो बुद्धिज्म जो बुद्ध लोग हैं वो क्या करते हैं, लद्दाख से होकर कहां जाते हैं, ताइपत जाते हैं। लद्दाख इसका आल्सो कॉल्ड लिटिल ताइपत, और लद्दाख को छोटा ताइपत भी कहते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, और यहां पर इस्लाम कब आया, लगभग 400 साल पहले। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, इस्लाम यहां पर 400 साल से पहले आया, मोर देन 400 ईयर्स एगो, 400 साल से भी पहले आया यहां पर, और यहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, और लद्दाख की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, यहां पर गीत वीत गाए जाते हैं, पोएम्स होती है यहां पर। लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशनल इपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स। अब यहां पर देखिए एक लोकल वर्जन है तिब्बत नेशनल इपिक का, जिसको बोलते हैं केसर सागा, नेशनल इपिक है। इपिक क्या होता है, किसी महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक हीरो की क्या गाथा है, उनकी शौर्य की कथा है, उनके बारे में यहां पर कि भाई उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वो है, उसको क्या बोलते हैं, केसर सागा, है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है, नेशनल केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट्स, और यहां मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म के लोग दोनों मिलकर उसको गाते हैं। नाउ वी कम टू केरला। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला एक राज्य, और कहां पर है, भारत के दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में है, कोने में है वो भारत के। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। ये केरला एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, और यहां की जो पहाड़ियां हैं यहां पर कई प्रकार के मसाले जैसे कि पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, कार्डमम्स, इलायची, सभी का उत्पादन यहां पर होता है, यहां पर उगाई जाती है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और जो यहाँ के जो स्पाइसेस है उन्हीं के कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत सारे व्यापारी आकर्षित होकर यहां पर आते हैं। जेवीस, यहूदी लोग जो इसको बोलते हैं, एंड अरब्स ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, सबसे पहले आने वाले कौन थे, जेवीस, यहूदी और अरब ट्रेडर्स, व्यापारी यहां पर आए थे। द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के शिष्य थे सेंट थॉमस, है ना, इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स एगो। क्राइस्ट के जो शिष्य जिसका नाम था सेंट थॉमस, ऐसा कहा जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि भाई 2000 साल पहले वो यहां पर, करीब लगभग 2000 साल पहले यहां पर आए थे। एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उसको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी को भी वही इंडिया में लाए थे। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, कई अरब व्यापारी भी यहां पर आए और यहीं पर बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो, और इब्न बतूता नाम का जो यात्री, वो यहाँ लगभग 700 साल के आसपास, ये उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, पहले यहाँ पर आया है। रोट अ ट्रेवलॉग इन अ विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। यहाँ पर जब वो यात्रा करते आया तो उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, यानी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि डिस्क्राइब लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के जीवन के बारे में उसने लिखा है, और वह कहता है कि वह यह कम्युनिटी यहां पर बहुत ही सम्मानजनक थी, उनका बहुत सम्मान था यहां पर, कौन सा, मुस्लिम कम्युनिटी का, समुदाय का। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। अब देखिए जो पुर्तगीज थे उन्होंने क्या किया, सी रूट को, समुद्र के रास्ते उन्होंने डिस्कवर की इंडिया तक आने के लिए, और वास्को डी गामा भी यहां पर उसने अपना जहाज उतारा था यहां पर। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, और यहां पर बहुत सारे जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस है, यानी कि जो ऐतिहासिक जो प्रभाव है, उनके कारण पीपुल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एस जुदेस्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, और जिसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं,
जुदिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला। और यहां पर देखिए आप जो फिशिंग नेट्स यहां पर देखेंगे आप, ये कैसी दिखती है, जो चीन की फिशिंग नेट्स उसके जैसी दिखती है और उसको क्या कहते हैं, चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और यहां तक कि जो बर्तन मछली को फ्राई करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, या किसी चीज को फ्राई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है उसको कहते हैं चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो चीन वर्ड जो है वो शायद चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूट टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपुल हियर ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल्स। यहां की जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जो भूमि है और यहां का जो जलवायु है वो चावल के लिए बहुत उपयोगी है। और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, चावल खाते हैं, मछली खाते हैं और वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं। देखें यहां पर द बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। अब केरला में जो ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है उस समय क्या होता है, बोट रेस होती है, नाव की रेस होती है। या देखिए आप, यू कैन सी इन दिस पिक्चर पेज नंबर 10। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजंस हैज सीन सिमिलर कल्चर एंड इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए जहां तक लद्दाख और केरला की भौगोलिक जो स्थिति है वो अलग होगी, लेकिन दोनों की जो हिस्ट्री है, दोनों क्षेत्र की कौन सी हिस्ट्री है, उनकी जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है वो लगभग क्या है, एक जैसा है, समान है। बोथ रीजंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। और दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरला दोनों चाइनीज, चीन के और जो अरब के ट्रेडर्स हैं उनसे वो प्रभावित है। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजंस। अब केरला की जो जियोग्राफिकल जो कंडीशंस है, जो जियोग्राफी उनकी जो है वो क्या करती है, मसालों की खेती को क्या करती है, वो प्रेरित करती है। और जो लद्दाख की जो जियोग्राफिकल कंडीशन जो है, जो भौगोलिक स्थिति है वो, एंड इट्स वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजंस, तो उसके कारण क्या होता है कि ट्रेडर्स उस क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं और आते हैं वहां पर। वो द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। और जो डाइवर्स जो कल्चर्स है, विभिन्न कल्चर्स में, संस्कृति में जो विभिन्नताएं हैं वो केवल क्या है, इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो भविष्य, पास्ट की, प्राचीन समय की कोई एक चीज नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विद ईच मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। अब देखिए हमारा जो प्रेजेंट लाइव जो है, जो हमारे आज का जो जीवन है वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कार्य के लिए, और क्या करना है, एंड विद ईच मूव, और हर कदम के साथ आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ, तो हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशंस है ना, और जीवन का जो तरीका है वो धीरे धीरे क्या होता है, हम जिस जगह पर जाते हैं, जिस नए क्षेत्र में जाते हैं उसके जैसा हो जाता है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज। यहां तक हमारे आस पड़ोस में भी कई कम्युनिटीज के लोग रहते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टूगेदर। हमारे दैनिक जीवन में क्या करते हैं, तरीका जिसमें हम चीजों को हम क्या करते हैं, साथ में करते हैं। हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, एक दूसरे के जीवन के बारे में कहानी आप सुनते हैं, कस्टम्स के, रीति रिवाज के बारे में सुनते हैं और ट्रेडिशंस के बारे में, यानी कि परंपराओं, यानी कह सकते हैं एक दूसरे के जीवन के बारे में, परंपराओं के बारे में और एक दूसरे के रीति रिवाज के बारे में हम कई कहानियां सुनते हैं। अब आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. और इंडिया के जो विभिन्न विविधताएं हैं उसको हमेशा क्या हुआ है, उसकी शक्ति के रूप में, उसकी स्ट्रेंथ के रूप में जाना गया है कि भाई जो डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, शक्ति का एक स्रोत है, उससे हमको शक्ति मिलती है. क्या कैसे, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया वुमन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रिलीजन रीजनल बैकग्राउंड्स केम टूगेदर टू अपोज देम. जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर जो शासन किया था करते थे तो अलग अलग कल्चरल रिलीजियस अलग अलग संस्कृति के अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया. इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट. और अंग्रेजों के विरुद्ध जो फ्रीडम मूवमेंट इंडिया का चला था उसमें क्या था, कई हजारों लोग थे, अलग 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 बैकग्राउंड्स के लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे, अलग अलग रीजन्स के लोग थे, अलग अलग भाषाओं के मानने वाले थे. दे वर्क टूगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस. और उन्होंने क्या किया, एकजुट होकर कार्य किया. दे वेंट टू जेल टूगेदर. वो स्वतंत्रता के लिए मिल एक साथ जेल गए. एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश. और उन्होंने उनको अलग अलग तरीके मिले जिससे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया. तो देखें इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि विभिन्नता थी हमारे देश में, विविधता है, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे, अलग अलग उनके कस्टम्स थे, अलग अलग उनकी ट्रेडिशंस थी, उनकी लैंग्वेज एक अलग अलग थी, लेकिन जहाँ जब बात आई किसी हमारे देश की बात आई, हमारे देश की स्वतंत्रता की बात आई, तो सभी ने एकजुट होकर कार्य किया, सभी एक हो गए. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different, and then continued to rule them. और मजेदार बात है कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि सब अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं तो हम उनको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, लेकिन और हम अलग करके हमारा शासन चलाते जाएंगे. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन लोगों ने तो बता दिया कि वह अलग जरूर है, लेकिन जब देश की बात आती है ना और अंग्रेजों के जब लड़ना है तो सभी एक हैं. एक गीत भी है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड. उन दिनों को मत भूलो जब हमारे देश में क्या हुआ, लड़ाई हुई और हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया था. इन द मिडस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर्स फॉर अस. और देखिए हम आज खुश हैं लेकिन क्या है, आज भी हम उन चीजों को याद करके हमारे आंसू बहाएं, हम रोए कि भाई नहीं हमारा पास्ट के साथ हमने किस प्रकार के बलिदान दिए, किस प्रकार से हमको आजादी मिली. द हंटर हैज टॉर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर. हर फूल को यहां पर शिकारी आया और हर फूल को मुरझा दिया, हर फूल को खत्म कर दिया. ठीक है, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड. मेरे प्यारे दोस्तों आइए और हम फिर से ये रेगिस्तानी रूपी जो बगीचा है इसमें फूल उगाएं, हम है ना प्लांट लगाएं ताकि फूल प्राप्त हो. हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग. और जलियांवाला बाग में गोलियां खाकर हम मर गए थे. डू लाइट अ लैम्प ऑन धिस लोनली ग्रेव. तो उस समय जो लोग शहीद हुए थे तो उनकी जो ग्रेव पर उनकी क्या कह सकते हो इसको हिंदी में, वहां पर हम जाएं और क्या करें, दिया जलाएं. द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टूगेदर टूडे. उस दिन था क्या था, हिंदू था या मुस्लिम सबका लहू बहा था वहां पर. डू सोक योर रोप इन दिस रिवर ऑफ ब्लड. और जो खून की जो नदी है यहाँ पर आइए और अपने लबादा कपड़ों को मतलब भाई इस सब कुछ प्रकार होगा, थोड़ा ये कविता है. सम रोट इन जेल वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स. कुछ लोग तो क्या है जेल में सड़ गए और कुछ उनकी ग्रेव्स में सो गए, समाधि बन गई उनकी ग्रेव्स. डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड. उन लोगों आइए और उन लोगों के लिए कुछ आंसू बहाए. इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन. ठीक है चलिए, ये पूरा जो सॉन्ग है प्रकार, दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्केयर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन्ड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपुल किलिंग मेनी एंड वुंडिंग इवन मोर. यह सॉन्ग
कब बना मालूम? जलियांवाला बाग में जब एक मीटिंग हो रही थी शांतिपूर्ण रूप से, तो जलियांवाला बाग में क्या, जो अंग्रेज जनरल डायर, जलियांवाला बाग कहाँ है, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, पंजाब में है, वहां पर एक नरसंहार हुआ, वहां पर बहुत सारे निहत्थे लोग थे, वहां पर शांतिपूर्ण उनका जो काम चल रहा था, पर वहां ऊपर क्या हुआ कि जनरल डायर आया, उन्होंने सब लोगों पर क्या अंधाधुंध गोलियां बरसवा दी और बहुत सारे लोग शहीद हो गए, मर गए और कई घायल हो गए। मैन एंड वुमन, हिंदू सिख मुस्लिम सीरीज एंड पुअर हेड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस समय बूढ़ा हो या जवान हो, आदमी या औरत हो, सिख हो मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, सब ने, या गरीब हो या अमीर हो, सभी ने मिलकर क्या किया, सब वहां इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और ये जो सॉन्ग जो था, किसलिए बनाया गया था, किसलिए कंपोज किया गया था, किसलिए गाया था, ताकि जो बहादुर लोग जो थे वो शहीद हो गए थे उनको सम्मान देने के लिए किया गाए गए थे, उनकी याद में यह बनाया गया था, गाया गया था। थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते ताकि अपना ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इन हिज बुक, सॉरी इन हिज बुक, अब किसका, हाँ सॉरी, पढ़ेंगे ये आप चित्र देख सकते हैं, पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। पंडित नेहरू क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र दिवस पर एक भाषण दे रहे हैं वहां पर। अब देखें पर songs and symbols that emerged during the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल जो हो रहा था, स्वतंत्र संग्राम जो हो रहा था, उस समय जो गाने, जो सॉन्ग्स और सिंबल्स उस समय आए थे वो क्या थे, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। वो हमको क्या, किस बात की याद दिला रहे थे, वो कि जो हमारी जो परंपराएं हैं, रिच जो ट्रेडिशंस है, जो हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, विभिन्नता को रिस्पेक्ट करते हैं हमारे देश की, उसके बारे में वो बता रहे थे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग, क्या आपको भारतीय जो झंडा है उसकी कहानी मात पता है। इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। ये क्या था, एक इस बात का सिंबल था, इस बात का प्रतीक था कि भाई उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पुस्तक है Discovery of India, भारत एक खोज जिसको कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं मालूम, कि जो इंडियन यूनिटी जो है, भारतीय जो एकता है, वो नहीं, ऐसी नहीं है कि उसको केवल बाहर से उसको इम्पोज किया, उसको लाद दिया गया है, ये तो उसकी वजह क्या है, वो अंदर से है, डीपर है, और क्या है, अपनी तह तक है वो। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स, द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम्स वॉज प्रैक्टिस। यहां पर क्या है, सहिष्णुता की मिसाल थी, यहां पर यहां के लोग कैसे थे, सहिष्णु थे, सहनशील थे यहां पर। इट वॉज नेहरू हु कॉइन द फ्रेज, या नेहरू थे जिन्होंने क्या किया, एक फ्रेज गढ़ा उन्होंने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। क्या फ्रेज था उनका, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। वो क्या, वो किस बात को डिस्क्राइब करती थी, किसका उल्लेख करती थी, हमारे देश का वर्णन करती थी। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इंडिया का जो नेशनल एंथम है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, उसको किसने बनाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो क्या है, इज अनदर प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। वो उस एंथम से भी हम क्या करते हैं, हमारे देश की जो एकता है उसको प्रदर्शित करते हैं। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। चले तो इस प्रकार से अपना लेसन वन कम्स टू एन एंड, खत्म होता है। लेसन वन का पीडीएफ आपके पास पहुंच चुका है, लेसन सेकंड का पीडीएफ भी आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।